तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा एक बार फिर से चला गया। और आपको बता दें कि 15 मिनट की बैठक हुई बंद कमरे में और रूठे हुए जितने भी टिकटार्थी थे उन्हें मना लिया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पानीपत ग्रामीण के अधिकतर जितने भी टिकट मांगने वाले उम्मीदवार थे उन्हें हुड्डा साहब ने मना लिया है और अंदर बैठक चल रही है। बंद कमरे में बैठक हुई और थोड़ी देर बाद जब ये लोग बाहर निकले तो खुशनुमा माहौल था और सभी जो है सचिन कुंडू के पक्ष में आ गए। हुड्डा साहब भी खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे की ये खुशी बता रही है कि पानीपत ग्रामीण में कुछ होने वाला है और सचिन कुंडू के पक्ष में अब ये प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ये बस जो देख रहे हैं इस बस में सभी टिकटार्थी सवार हो गए हैं और अब पूरे पानीपत ग्रामीण का भ्रमण करेंगे। अंदर जो बातचीत हुई है उसमें सूत्र बता रहे हैं कि मुँह मीठा कराया गया, बर्फी से एक दूसरे का मुँह मीठा कराने के बाद गिले शिकवे दूर हुए और गले लग गए और अंदर की बात जो है वो बाहर आ गई। अब हुड्डा साहब के पास लिए चलते हैं आपको, हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें क्योंकि इस बार चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सचिन कुंडू से नाराज चल रहे थे ये लोग क्योंकि सचिन कुंडू टिकट लेकर आ गए थे और कई टिकटार्थी लाइन में लगे हुए थे और उन्हें अंदाजा था इस बात का कि टिकट जो है उन्हें मिलेगी, लेकिन सचिन कुंडू को जो है ये टिकट मिल गई। नाराज चल रहे थे लेकिन आज हुड्डा साहब ने इनका मुंह मीठा करा दिया और 15 मिनट की मीटिंग में जो है ये सब हुड्डा साहब के नारे लगाते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। हुड्डा साहब का क्या कहना है, सीधा आपको हुड्डा साहब के पास लिए चलते हैं। साहब एक तो आपने जीत का मंत्र दे दिया होगा इन्हें, तो सारे इकट्ठे हो गए होंगे, सब इकट्ठे हैं, एकजुट होके कांग्रेस को कामयाब करेंगे। जितने हमारे प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे सभी ने फैसला किया एकजुट होके ये कांग्रेस जिताएंगे। दिल से साथ में रहेंगे जी आप? हाँ क्यों नहीं रहेंगे, हमारे साथी हैं, उनके मान सम्मान में कोई कमी थोड़ा ही आएगी। पूरे हरियाणा का क्या समीकरण देख रहे हैं जी? पूरे हरियाणा में जो है 36 बिरादरी मन बना चुकी हैं, अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी। आपका जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है बीजेपी उस पर ट्रोल कर रहा है कि ये मतलब झूठ का मैनिफेस्टो तो करें, हमारे तो 2005 का मैनिफेस्टो निकाल लो, 2009 का निकाल लो, जो कहा है वो करें, अभी जो कहा है वो करेंगे। इनके निकाल लो बीजेपी जेजेपी का 5100 रुपये पेंशन करी थी, कही थी, क्या किया इन्होंने? कोई एक भी काम इनका, कोई भी मैनिफेस्टो, कोई अमल नहीं लिया है। मैं हमारा निकाल लो, 2005 का निकाल लो, 2009 का निकाल लो, पढ़ के फिर बताना। फिर सवाल साथ गारंटी लेकर चल रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है ये चीज़ें? सब लोग समझदार हैं, वो समझते हैं जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया है, जो कुछ किया हम ही करेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले सर? कार्यक्रम गाँव का देखिए, उसके बारे में हम कह चुके, ये जो पोर्टल है या प्रॉपर्टी आईडी है या परिवार पहचान पत्र है, जो ऐसे है मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जो जनहित के जो पोर्टल होगा उसी को रखेंगे, बाकी के नहीं। सर कुमारी सियालजा नहीं प्रचार में उतर पा रही, क्या चक्कर है जी? कुछ मनमुटाव है? नहीं कोई मनमुटाव नहीं। सर आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? कई गांव में, कई हल्कों में जाएंगे और शाम तक जीन। आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आपके चेहरे की रौनक बता रही है, अस्वस्थ लग रहे हैं पूरे 17+। धन्यवाद धन्यवाद। तो हुड्डा साहब के चेहरे की मुस्कान और रथ में जो जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, सचिन कुंडू उनके साथ बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो मैनिफेस्टो आया है उनका वो कांग्रेस के पक्ष में और सरकार बनाने के पक्ष में और साथ ही जनता के पक्ष में ये मैनिफेस्टो है। तो फिलहाल आप देखते हैं कि पानीपत ग्रामीण का चुनाव किस ओर करवट लेगा, लेकिन सचिन कुंडू के पक्ष में अगर ये लोग सच्चे दिल से प्रचार करते हैं तो सचिन कुंडू की जीत जो है हो सकती है, लेकिन बशर्ते ये है कि ये 54 उम्मीदवार सचिन कुंडू के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।